कैथल के गांव भाना में पैसे के लेन देन के चलते रिश्तों को कलंकित कर देने वाली घटना सामने आई है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में 60,000 रुपए के लिए कलयुगी चाचा ने अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बीती 18 मार्च को फाग वाले दिन कोटड़ा गांव के तालाब से भाना निवासी सुरेश का शव मिला था। मामले में पुलिस ने जाँच का जिम्मा CID पुलिस को सौंपा था, जिसमे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब भाना निवासी दो आरोपियों जसविंदर और रोहित को गिरफ्तार किया, जिनमें से जसविंदर मृतक सुरेश का चाचा है। DSP रविंद्र ने बताया कि दिसंबर में सुरेश और आरोपी जसविंदर ट्रक लेकर अहमदाबाद गए थे, जहां से 60,000 रुपए ट्रक का किराया मिला था, जिसे लेकर सुरेश यहां से भाग गया था। इसके बाद जसविंदर लगातार सुरेश से पैसे की मांग कर रहा था और 17 मार्च को होलिका दहन की शाम आरोपी ने सुरेश का अपहरण कर लिया और खेत के कोठे में ले जाकर डंडों और पट्टे से मारपीट की, जिससे सुरेश की मौत हो गई। आरोपियों ने इसके बाद कोटड़ा के तालाब में शव को फेंक दिया था। ये जसविंदर ट्रक ड्राइवर था ये, और ये अपने ट्रक पर इसके साथ ये सुरेश को भी लेके गया था दिसंबर में। तो 60,000 रुपये उसने वहाँ से किराया वगैरह मिला था अहमदाबाद। तो जसविंदर कुछ खाने पीने के लिए नीचे चला गया, तो इसने वो पैसे लेके और ये वहाँ से गायब हो गया। तो दिसंबर से ये पैसे मांग रहा था इसके पास से, कोई पैसे दे दे, तू पैसे क्यों लिया है मेरे ट्रक से, मैं भाड़ा लेना था। तो इसको गोड़ मोड़ कर रहा था, कोई पैसे तो मैं अभी नहीं दूंगा, आगे दूंगा। तो ये 17 तारीख को होली वाले दिन ये शाम को ये विशन मंदिर है वहाँ पे भाणा गांव में, वहाँ पे ड्रिंकिंग कर रहा था। इसके भतीजे ने रोहित ने देखा, तो रोहित ने देखा तो रोहित ने जसविंदर को बुला लिया कि भैया यहाँ पे है ना सुरेश, बहुत दिनों से ताक में थे। तो इसको जसविंदर को बुला लिया, अपने चाचा को भी, इसको ये अपने कोठड़े में ले गए बुला के बातचीत के जरिए। तो वहाँ और भी जैसे चले गए साथ में, तो ये दारू तो सारे पिए ही हुए थे। वहाँ पूछते रहे भाई तू मेरे पैसे कब देगा, सच करके और सारे चले गए। तो इसने जसविंदर ने रोहित ने इसको मारना स्टार्ट कर दिया, और इसको डंडों से और ये जो चकचक्की वाला पट्टा होता है उससे और इसको मारा। और तो इसको फिर 18 तारीख को इसको वहाँ पे ये रात को ही वहाँ पे कोठड़े गाँव में राजौंद एरिया में डालकर ये डेड बॉडी का। बहरहाल पुलिस ने हत्या के इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट से रिमांड हासिल कर आगे की पूछताछ की जाएगी, ताकि मारपीट करने में प्रयोग लाए गए डंडे और पट्टे को बरामद किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।